हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल ज़ॉम्बीज़ एपिसोड 7। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि हम आपके लिए और भी सुपर हीरो कंटेंट लाते रहे और आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्लैक पैंथर गुस्से में रेनॉल्ड्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब टचाना यानी कर्नल अमेरिका पैंथर पर हमला कर देता है और कहता है, एवेंजर असेंबल, अब सारे दुनिया की आस तुम पर टिकी है। तब पैंथर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसका पिता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तब रेनॉल्ड्स बताता है, ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये सिर्फ उसका शरीर है। हमें कर्नल का ब्रेन सालों पहले मिला था और मैं ये तुम्हें बताने भी आया था, लेकिन तुमने इसे इग्नोर कर दिया। तब स्पाइडी और लूक कर्नल को बताते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और जिसे तुम मार रहे हो वो पैंथर है। फिर भी कर्नल किसी के नहीं सुनता। तब रेनॉल्ड्स उसे समझाता है, कर्नल शांत हो जाओ। पैंथर उस पर कहता है, तुमने कहा हम, किसने मदद की तुम्हारी? तब उसे फोर्स बताता है, मैंने मदद की, क्योंकि जब तुम्हारा बेटा यानी टचाना मरा तब वो अकेला ऐसा था जो वास्प की तरह नहीं था, तो हम उसकी बॉडी यूज कर सकते थे और तुमने देखा भी कि वो कितना अच्छा लड़ा। तो फोर्स टचाला को मारकर उसे अपने आप पर शर्म करने को कहता है। टचाला के वार से फोर्स को बहुत चोट लगती है। तब टचाला उस पर फोर्स से माफ़ी मांगता है। तब फोर्स कहता है, ठीक है, अभी तुम अपने हाथ मुझसे और रेनॉल्ड से दूर रखो, हम ये सब खत्म होने के बाद इसके बारे में सोचेंगे। जेंटमैन और बाकी लोग डायमेंशनल पोर्टल ढूंढने आते ही होंगे, उन्हें ये जानने में समय नहीं लगेगा कि हम वो मशीन यहाँ ले आए, और अगर वो यहाँ आए तो हमारे पास प्लान होना चाहिए उनसे लड़ने के लिए। अभी हम देखते हैं जायंट मैन बाकी के ज़ॉम्बी से कह रहा था, अब हम पहुंच चुके हैं, हमारी दुनिया और खाने से भरा हुआ डायमेंशन इसके बीच सिर्फ छीनने की देर है, हमें सिर्फ रास्ता ढूंढना है। फोर्स फील्ड के अंदर पैंथर और उनके साथियों को देखकर आयरन मैन कहता है, क्या तुम देखने आए हो कि ये बैरियर हम कैसे पार करते हैं? तब पैंथर बताता है कि वो एक ऑफर के साथ आया है। वो आगे बताता है, अगर तुम बचे हुए लोगों को नहीं खाने का वादा करो तो हम वो गेटवे तुम्हें दे देंगे, जहाँ तुम्हें इससे भी ज़्यादा लोग मिल जाएंगे। हैंक और टोनी के हाँ कहने के बाद टचाला रेनॉल्ड्स को फोर्स फील्ड ऑफ करने को कहता है और बाहर की तरफ बढ़ता है। लेकिन बाहर आते ही पैंथर के सभी साथी हैंक और ज़ॉम्बीज पर हमला कर देते हैं और टचाला रेनॉल्ड्स को फोर्स फील्ड फिर से शुरू करने को कहता है। तब जायंटमैन कहता है, डबल क्रॉस करके तुमने अपनी जान खतरे में डाली है, अब तुम मरोगे। तब पैंथर बताता है, यह सब प्लान का ही हिस्सा है जायंटमैन। जायंटमैन कहता है, क्या वो भी प्लान का हिस्सा है? और तब पैंथर देखता है आयरन मैन फोर्स फील्ड के अंदर था, जो कहता है, चिंता मत करो, मैं यह फोर्स फील्ड ऑफ करने से पहले ज़्यादा नहीं खाऊंगा, तुम्हारे लिए भी कुछ बचा कर रखूँगा। तब टचाला सबसे कहता है, उसकी चिंता मत करो, सिर्फ प्लान फॉलो करो और अपने दुश्मन से लड़ो, इन्हें यही रोके रखो। और वो आगे बताता है, यहाँ बहुत कुछ दाव पर लगा है लेकिन ये सब अब खत्म होगा। तभी दूसरी तरफ फिनिक्स अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करते हुए कहती है, क्या तुम भूल गए कि मैं क्या हूँ और मैं तुम में से एक क्यों बनी? मैं एक गॉड हूँ, मेरी पावर्स के आगे तुम लोग टिक नहीं पाओगे। तब स्पाइडरमैन उससे दूर भागते हुए कहता है, यह बहुत मुश्किल होने वाला है, केज क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इसे खत्म करने में? दूसरी तरफ बचे हुए लोगों को पुकारते हुए आयरन मैन न्यू वकांडा में एंटर कर रहा था, तभी अचानक वो किसी को देखकर रुक जाता है। तब हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि कर्नल अमेरिका बना टचाना और साथ में वकांडा के लोग थे। उसी वक्त स्पाइडी और लूक फिनिक्स से लड़ रहे थे, लेकिन उनके वारों का फिनिक्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। जायंटमैन लगभग पैंथर को मार डालता है ये कहकर, मैं थक गया हूँ इस फालतू की लड़ाई से। तभी जिनेट हैंक पर वार करती है, लेकिन हैंक पर उन वारों का कोई असर नहीं होता उसकी साइज की वजह से, लेकिन अपनी साइज का इस्तेमाल करके वो जिनेट को भी मार देता है, जिस पे हॉकआई गुस्से में अपनी रोबोटिक बॉडी का इस्तेमाल करके तीर हैंक की तरफ छोड़ता है। लेकिन हैंक जख्मी होने के बजाय गुस्सा होकर हॉकआई को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है। रेनॉल्ड्स की लैब से बेहोश ब्रूस छूटकर रेनॉल्ड्स के पास जा पहुंचता है, जहां वो उससे कहता है, तुमने मुझे बेहोश कर रखने की कोशिश की, तुमने मुझे गलत समझा, मैं दूसरा जैसा नहीं हूँ, मैं इससे नफरत करता हूँ और ये भूख मुझे हल्क बनने पर मजबूर करती है। तब उन दोनों की हाथापाई में फोर्स फील्ड का बटन ऑफ हो जाता है
जिससे फोर्सफुल ऑफ होने लगती है। उस वजह से बाहर के सारे जॉम्बीज अंदर की तरफ आने लगते हैं, जहाँ उनसे जायंट मैन कह रहा था आगे बढ़ो और सबको ख़त्म कर दो, क्योंकि अगर प्रोटेक्ट करने के लिए ही कोई ना बचे तो यह लड़ाई ख़त्म समझो। तभी ब्रूस कंट्रोल मॉनिटर देखकर कह रहा था, ये मैंने क्या किया, वो अंदर आ रहे हैं, मैं ये तो नहीं चाहता था, लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। तब आयरन मैन, जिससे सारे वकांडियंस और कैप्टन अमेरिका लड़ रहे थे, वो कहता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तब बंकर में बचे हुए लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि क्या बाहर जाना सेफ होगा। तब हैंट्रिक कहती है नहीं, जब तक टचाला नहीं आ जाते हम कहीं नहीं जा सकते। तभी हैंक बंकर का दरवाज़ा उखाड़ कर पूछता है पहले कौन जाना चाहता है, और हैंड्रिक को अपने हाथों में उठाता है। तब फिनिक्स और वुल्वरिन कहते हैं अब ये ख़त्म होने तक हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, और जेंटमैन हैंड्रिक को अपने मुँह के पास ले जाता है खाने के लिए, लेकिन वो हैंड्रिक को खाता नहीं। उस पर वुल्वरिन पूछता है क्या हुआ, तब हैंक बताता है मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भूख जा चुकी है। तो अब क्या सारे जॉम्बीज अच्छे बन चुके हैं या फिर ये कोई उनकी चाल है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो।